नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है, जहाँ रामनगर नगर क्षेत्र में बीते दिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं रामनगर नगर क्षेत्र के PMVS कॉलेज की, जहां 12वीं वर्ग की प्रैक्टिकल का एग्जाम चल रहा है। इसी दौरान एक वीडियो नगर क्षेत्र में सुर्खियों में बनी हुई है। आपको बताते चले कि इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए आरोप लगा रहे हैं छात्रों से प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए पैसे ले जा रहे हैं और उसके बदले सवाल का जवाब लिख कर दिया जा रहा है। वही आपको बताते चले कि इस वायरल वीडियो की पुष्टि के लिए जब वेब इंडिया न्यूज चैनल के संवाददाता पहुँचे और वहाँ मौजूद परीक्षार्थियों से बातचीत की, तो उनके द्वारा बताया गया कि ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। हम लोगों से शिक्षक के द्वारा इस तरह से पैसे की मांग नहीं की गई है, ये हमारे कॉलेज को बदनाम करने की साजिश की गई है। वही कॉलेज के प्रिंसिपल श्री राघव शरण प्रसाद ने बताया कि इस कॉलेज को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, ये बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा है। चंपारण से ब्यूरो रिपोर्ट, रईसुल आजम के साथ कैमरामैन कलीम कुरैशी की खास रिपोर्ट। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत रामनगर नगर परिषद में उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर PMVS कॉलेज है और यहाँ पर परीक्षा चल रही है। कुछ ही दिन हुए एक वीडियो इस कॉलेज का काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसको लोग गैर कानूनी या असंवैधानिक बता रहे हैं। तो हमारी टीम ने यहाँ पर जांच करने आई और पूछे कि इस कक्षा में अभी बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, जानने की पूरी प्रयास करेंगे कि सत्य क्या है और हकीकत क्या है, क्या है फसाना। क्या नाम हुआ अब बाबू आपका? पवन कुमार। कहाँ से आए हैं? हम शिवपुर कॉलेज। शिवपुर कॉलेज, कोई दिक्कत वगैरह एग्जाम देने में? नहीं सर। और भी हैं, आप देख सकते हैं कितना शांतिपूर्ण इस कॉलेज में परीक्षाएं दी जा रही है, चाहे वो हमारे परीक्षार्थी हो चाहे हमारे शिक्षकगण हो, बिल्कुल शांति से दी जा रही है। और मैं चाहूँगा अन्य जो भी हमारे जो छात्र हैं इनसे मैं मिलूँ। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इम्तियाज आलम। कहाँ से आए हुए हैं आप? हम सोनखर से आए हैं। एक वीडियो हुआ है वायरल, उसमें बच्चा शिक्षक को रुपया दे रहा है, आप लोग दिए हैं? नहीं, हम लोग नहीं दिए हैं। तो मतलब यह सत्य है या असत्य है या गलत है, क्या क्या आप कहना चाहेंगे? हम लोग तो नहीं दिए हैं, तो हम लोग इसको असत्य ही मानेंगे। अब कॉलेज को बदनाम करने के लिए कहीं ये निर्णय लिया गया हो। चलिए, और भी जो है लेजेंड टाइप के जो हम ऐसे मिलेंगे, क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार यादव। मनीष जी, क्या आपको लगता है कि इसमें इस तरह के जो है पेमेंट लिए जाते हैं या कुछ टाइप के जो लोग कुछ कर रहे हैं, वीडियो हुआ है वायरल? नहीं सर, ऐसा तो मतलब कोई बात नहीं है मेरे कॉलेज में। परीक्षा देने में कोई दिक्कत वगैरह? नहीं, कोई दिक्कत। तो हालांकि ज़्यादा मैं इन लोगों का समय नहीं लूँगा, इसलिए कि ये लोग परीक्षा दे रहे हैं और मैं चाहूँगा कि प्रिंसिपल साहब जुड़े हुए हैं। ऐसे कि अब जो वायरल वीडियो के आधार पर हम लोगों ने जाँच की और फिलहाल अब हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, मैं चाहूँगा सर आप अपना एक छोटा सा परिचय दें। मैं PMVS कॉलेज प्रिंस मोहन विक्रम शाह कॉलेज रामनगर पश्चिम चंपारण का प्रभारी प्रचार्ज हूँ। 2019 से हम अभी 2024 की जनवरी में रिटायर होने वाला हूँ, है ना, जो भी वीडियो में वायरल हुआ। अच्छा, है सर, मैं सर आपसे पूछूँ सवाल कि ये भी जो हाल ही में आपकी जो केमिस्ट्री की जो प्रैक्टिकल की परीक्षा हो रही थी 11 तारीख को, उसमें एक बच्चा कुछ रकम दे रहा है पैसा सर को, जो सर उस वीडियो का या उस बात का क्या सर है हकीकत, आप जो हमारे व्यूवर्स हैं जो बेचैन है जानने के लिए, आप इनको बताइए। वो भी जो भी लड़का गलत किया है, दिया है, गलत है, साजिश है, साजिश के तहत रचा गया है, ये निराधार है। आप खुद हमारे जाकर महाविद्यालय के वर्ग रूम क्लास में निरीक्षण किए हैं, लड़कों से बातचीत किए हैं, उसमें आपको पूछताछ के तहत आपको संतुष्टि मिल गई होगी, हमको आशा है कि सभी साजिश के तहत फंसाया गया है, सभी बातों का निराधार है, साजिश के तहत फंसाया गया है। तो चलिए, तो ये थी PMVS के प्राचार्य या प्रिंसिपल साहब, जिन्होंने अपनी बात रखी कि कॉलेज में इस तरह के गैर सामाजिक कार्य नहीं होते हैं। और आपको भी मैं यह बताना चाहूँगा, जब भी इस प्रकार की खबर आपके पास आए तो बिना तहकीक का, आप बिना जांच पड़ताल का उस खबर पर फेथ या बिलीव ना करें। चलिए, तब तक नए अपडेट के साथ हमारे साथ बने रहें। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ, वेब इंडिया न्यूज़ रामनगर। जब मामला हो आपके सपनों का घर का, तो समझौता कैसा?
जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सबुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार, जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा। जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहाँ आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहाँ कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहाँ जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 SN पब्लिक स्कूल के समीप।